मुरादाबाद के कांड थाना क्षेत्र के गांव सलेमपुर के प्राथमिक स्कूल में शिक्षा चौपाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें स्कूल के स्टाफ के साथ साथ बच्चों के अभिभावकों को भी बुलाया गया। शिक्षा चौपाल कार्यक्रम में बच्चों के रिपोर्ट कार्ड पर अभिभावकों से चर्चा की गई। कहा गया कि बच्चों की शिक्षा पर थोड़ा ध्यान दें, स्कूल में जो काम बच्चों को मिल रहा है घर पर बच्चे उसे काम को ध्यान से करें, घर पर बच्चे उस काम पर ध्यान दें और अभिभावकों का ध्यान उसे पढ़ाई पर भी रहना चाहिए, क्योंकि जो काम हम दे रहे हैं बच्चा उसको समय से कर रहा है या नहीं ये वो देखें। अभिभावकों को इस बिंदु पर भी ध्यान देना होगा। शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। स्कूल के स्टाफ का कहना है कि हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हमारे ये बच्चे अच्छी पढ़ाई के साथ आगे बढ़े और अपने परिवार का नाम रोशन करें। सप्ताह में एक बार बच्चों का टेस्ट लिया जाएगा और जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे विद्यालय उन बच्चों को सम्मानित करेगा, उनके अभिभावकों को भी सम्मानित करेगा। इसलिए जरूरी है कि अभिभावक बच्चों को होमवर्क पर ध्यान दे, क्योंकि होमवर्क में बच्चा क्या काम कर रहा है अगर बच्चे के अभिभावक देख लेंगे तो फिर बच्चा पढ़ाई में काफी आगे निकल जाएगा। जरूरी है पढ़ाई में सहयोग करें और जो बच्चों को काम दिया जा रहा है उस पर ध्यान दें। बच्चे के रिपोर्ट कार्ड पर जानकारी भी लेते रहें। स्कूल की प्रधानाध्यापक द्वारा बताया गया कि हम अपने बच्चों के अभिभावकों से मिल रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, बच्चों के रिपोर्ट कार्ड के बारे में बता रहे हैं। स्कूल में आज शिक्षा चौपाल का आयोजन किया गया जिसमें काफी अभिभावक उपस्थित थे। अधिकतर अभिभावकों जिनको हमने बुलाया था वो उपस्थित थे, उनसे उनकी समस्याएं पूछी गई, अपने बताए गए और जो बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे उन के पास में जो रहते हैं उन अभिभावकों को प्रेरित किया गया कि वो भी कहें उन अभिभावकों से कि वो बच्चे नहीं ले जाएंगे। और बच्चों के स्तर के लिए जो बच्चे हमारे यहाँ अच्छे हैं उनका उनको स्तर दिखाया गया, उनकी कॉपी दिखाई गई, बच्चों के द्वारा प्रेजेंटेशन भी कराई गई कि हमारे स्कूल में जो बच्चे रोज आते हैं उनका स्तर अधिकम का और जो रोज नहीं आते हैं कभी कभी आते हैं या रोक के आते हैं उनका अधिकम स्तर में अंतर कितना है, वो सब चीज़ें हमने बताई गई। और चौपाल में स्वच्छता के बारे में भी बातचीत की गई जिसमें हमारे अध्यक्ष मोहम्मद सलमान जी भी उपस्थित थे। उनके द्वारा बताया गया कि अपने शरीर को स्वस्थ रखें, बच्चों को स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, अपने आसपास का पानी, अपने आसपास का वातावरण या फिर जो भी हम सफाई करते हैं घर की वो बाहर कूड़ा में इकट्ठा करें, तो स्वच्छता के बारे में बताया गया। स्वच्छ जल के बारे में बताया गया कि हमें जो पानी है स्वच्छ ही पीना चाहिए, ढककर पीना चाहिए। तो काफ़ी बातें जो बच्चों के भविष्य के लिए जरूरी है उन बातों को चौपाल में रखा। धन्यवाद।